मध्य प्रदेश उपचुनाव में नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कमलनाथ के शब्दों की मर्यादा खोने के बाद अब दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार के मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से कमलनाथ ने डबरा में इमरती देवी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यदि दिमनी विधानसभा सीट पर करते तो उनका सिर काट लिया जाता। वहीं दिग्विजय सिंह और उनके परिवार को लेकर भी दंडोतिया ने घटिया बयानबाजी की। सिंधिया समर्थक और मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया ने चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसको लेकर कांग्रेस अब भड़क उठी है। दंडोतिया ने दिमनी में कहा कि कमलनाथ ने अगर मेरी विधानसभा में आइटम वाला बयान दिया होता तो उनका सिर काट देते। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पर भी अभद्र टिप्पणियां की गईं। जब दंडोतिया ने यह बात कही तो मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। दंडोतिया के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस भले ही अहिंसा के पुजारी हों, लेकिन ऐसे लोगों का इलाज भी उन्हें आता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। बढ़िया भाई, मेरा की कमलनाथ में जबरा में हो, अनुसूचित जाति गरीब महिला ही वो माता बहन भाई हुए अपनी समझ की है, कोई जाति की अपनी है, पर वो तो बढ़िया भाई डबरा ही मेरे की जमनी तरह को होते हम माता ना को तो इनसे लाश धर के जाती मेरे की जी खेल जी काम ने कर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जिनने जिनने गद्दारी करते ही मरा में घुस गया, मोरा बनवाए दो मंत्री भतीजा बनवाए दो और अपन टेल रहे आओ आओ सिख उद्योगपति मिल रही है भाई देखो गदरी ने तो दिग्विजय सिंह बताओ कितने अच्छे आदमी है तुम्हें बताओ आ जाएंगे तो खा लो वजह 10 साल रहे जनता कितनी दुखी रही है महाराज साहब है कभी मौका ना दे मौका नहीं दे दो मैंने महाराज साहब हजर के महाराज साहब ने कह दी मैं पद नहीं मांगूंगा ना मुख्यमंत्री की कहूँ जिनसे जिनने मन भल दे मन बंदे महीना नहीं चली बढ़ रही पूरे संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।